गर्मी दूर भगाओ और घर पर ही चने का सत्तू बनाओ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चने का सत्तू कैसे बनता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने कढ़ाई के अंदर रेत ले लिया है और इसके अंदर मैंने ये चने डाल दिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो इन चनों को हमें भून लेना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर चने डाल लिए हैं और इन चनों को हमें भून लेना। पुराने जमाने में क्या होता था, जो हमारी दादी नानी होती थी वो मतलब कि चने का सत्तू पीकर ही बहुत ही स्वस्थ रहती थी। तो उससे मतलब कि कोई वो गर्मियों से बहुत ज्यादा बचती थी। गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये, बहुत ही ठंडा होता है, तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो हमें क्या करना है, तो ये सबसे पहले हमें चने भून लेने हैं एक रेत के अंदर। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर चने भून लिए हैं। इसको चने का सत्तू बनाने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे चने का सत्तू बना रही हूं। चने के सत्तू से हमें बहुत फायदे होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा करता है और हमें मतलब काफी सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस तो हमें ये क्या, देखिए मैंने इसमें ना चने डाल दिए और ये भून रहे हैं। तो मैंने उससे पहले क्या किया था, मैंने कुछ चने मैंने ना ये पहले ही मतलब कि चने भून के रख लिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें इसके अंदर मतलब कि चने भून लिए हैं। तो हमें क्या करना, चने भून के ये एक प्लेट के अंदर निकाल लेने हैं और इनको ठंडा करके, इनको ठंडा कर लेना है। ये ठंडे हो चुके हैं और हमें क्या करना है, जो ये इसके छिलक होते हैं ये हमें अलग कर लेने हैं। तो ऐसे करके हमें इनको पीस लेना, जिससे कि हमारे ये चने के छिलक दूर हो जाए। ये देखिए, हमारे छिलक अलग हो गए हैं। जो एक आधा छिलक रह भी जाए तो हमें उससे कोई वो नहीं होता, इसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है। तो ये मैंने इसके चने के ये छिलक कर लिए हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिक्सी लेनी है, मिक्सी के अंदर हमें चने डाल देने हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर ये चने डाल रही हूँ। तो ये चने डाल दिए, तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राइंड कर देना है जिससे। तो ये देखिए, इसका चने का ही बिल्कुल ही पेस्ट बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ये पाउडर बन गया है। तो अब हमें इस पाउडर को एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। तो ये देखिए, इसका पाउडर कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा कलर दिया है इसने। तो हमें क्या करना, मतलब ये शुगर की बीमारी को भी दूर करता है। तो हमें क्या करना है, तो एक गिलास ले लेना है। उस गिलास के अंदर हमें 2 चम्मच ये सत्तू डाल लेना है। और जिसको शुगर है तो वो उसके अंदर चीनी ऐड ना करे, और जिसको शुगर नहीं है तो उसके अंदर चीनी डाल ले, जिससे कि ये मीठा हो जाए। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मीठी चीनी डाल ली है। तो उसके बाद हमें क्या, इसके अंदर हमें पानी डाल लेना है। तो ये देखिए, तो अब इसको हमें ऐसे मिक्स कर देना है, ये चीनी हमारी घुल जाएगी इसके अंदर। तो अब मैं दिखाऊंगी कि ये इसका टेस्ट कैसा हुआ है। तो ये देखिए, इसका टेस्ट मैं अब आपको पीकर दिखाऊंगी। तो इसका टेस्ट कैसा आया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको ये घरेलू तरीका आपको पसंद आया हो तो हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को
शेयर करें, और हरे भरे जिनकी वीडियो देखना पसंद करते तो उसे फॉलो करें। थैंक यू।